ट कम्स बिटवीन क्वेश्चन इज विम्स बिटवीन स्क्वाण सर्कल विथ शेप कम्स कौन सी शेप आती है बिटवीन बीच में स्क्वायर एंड सर्कल सर्कल और स्क्वायर के बीच में कौन सी शेप है है ना और उसमें जो भी शेप है उसमें आपको ग्रीन कलर करना है देखिए ग्रीन कलर ओके लेट्स सी यस दिस इज स्क्वायर स्क्वाच शेप इज दिस स्क्वायर दिस इज ट्राइंगल एंड दिस इज सर्कल आप क्या पूछा क्वेश्चन आपसे स्क्वायर एंड सर्कल के बीच कौन सी शेप है स्क्वायर और सर्कल के बीच कौन सी शेप है ट्राइंगल और इसमें क्या करना है हमें ग्रीन कलर करना है इस शेप में हमें क्या कलर करना है ग्रीन कलर करना है इसमें ग्रीन कलर करेंगे आराम से करेंगे ग्रीन कलर नेक्स्ट क्वेश्चन विच शेप कम्स बिटवीन रेक्टेंगल एंड स्क्वायर रेक्टेंगल और स्क्वायर के बीच में जो शेप है उसको रेड कलर से फिल करना है किस कलर से रेड कलर से अब देखिए यहां पर स्क्वायर कलर रेक्टेंगल और स्क्वायर कहा है तो देखिए ओवल रेक्टेंगल विथ शेप इज दिस रेक्टेंगल सर्कल एंड स्क्वायर रेक्टेंगल एंड स्क्वायर के बीच में जो शेप है उसे हमें रेड कलर से करना है सर्कल है बीच में विथ शेप इज दिस सर्कल तो हमें सर्कल को रेड कलर से करना है आराम से करिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन विच शेप कम्स बिटवीन ओवल एंड सर्कल ओवल और सर्कल के बीच में जो शेप है उसको हमें कलर करना है पर्पल कलर से किस कलर से करना है पर्पल कलर से अब देखिए इसमें ओवल शेप का है यस दिस इज ओवल एंड दिस इज सर्कल ओवल और सर्कल के बीच में जो शेप है उसे हमें पर्पल कलर से करना है चलिए स्टार्ट करेंगे पर्पल कलर से पहले आउटलाइन कर लीजिए देखिए हमने इसे पर्पल -पर कलर से फिल कर लिया शेप इज दिस दिस इज हार्ट शेप इसे हमने पर्पल -पर कलर से फिल कर लिया आपको ये पूरी एक्सरसाइज अपनी राइटिंग बुक में करनी है ओके okay? बाय